अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखें, आ गए हम घूम फिर के घर वापस। और अब वापस आए तो देख लें, घर देख कर के ही एक वहशत सी हो रही है ना। इतने शॉपर इतने सामान की कोई हद नहीं। तो आज जो है छोटी छोटी क्लिप बनी है, तो 2-3 दिन के इकट्ठे ही ब्लॉग चले जाएंगे आपके पास। तो ये देखिए, ये जो है ना, सारे गंदे कपड़े अलग कर रही हूँ ताकि सुबह सुबह मशीन लगा सकूँ। कर देखिए, बच्चे तो फौरन सो गए, क्योंकि मैं जो हूँ ना, अपने दोस्त के घर से आई थी, तो वहाँ पे खाना वाना खाया, शाम में पूड़ियाँ वगैरह खाई थी, तो सबका पेट भरा था, तो सब सो चुके। और ये देखिए, मेरा पौधा इतनी मेहनत से बढ़ाया था, और देखिए ये एक हफ्ते में बिल्कुल खुश्क हो गया और पत्तियाँ भी सारी पीली पड़ गई। तो खैर, अब मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी और थोड़ी पत्ते वगैरह। देखिए कैसी मिट्टी बिल्कुल खुश्क, और जैसे पानी डालूँगी सारी मिट्टी जो है ना, पानी अपने अंदर खींच लेगी। तो ये पत्तियाँ वगैरह जो पीली पड़ गई वो भी निकाल लूँ। अब बाकी ये है कि आज हमारे सुबह उठने से पहले ही पता चला कि लाइट नहीं है, तो अब कपड़ा धोने का प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। तो अब हम करेंगे ये कि घर की अच्छी से सफाई और सेटिंग कर ले और बच्चों को नहला ले, क्योंकि इतनी सर्दी की वजह कर ना पूरी शादी कोई भी नहीं नहाया। तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा घर में आने के बाद ना बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने बोला चलो नहला दूँ मरियम को। तो बस घर के थोड़े बहुत काम निपटाऊँ, सफाई वगैरह करूँ, और करके मरियम को नहलाऊँगी। और घर तो ऐसा गंदा हो रहा है जैसे कोई आके अपने हाथ से मिट्टी छिड़क के चला गया है। इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी घर में हो रही है। तो ये देखें, ये लग रहा है कि कभी कंप्यूटर टेबल जो है साफ़ हुआ होगा, इतनी गंदी। और आप अभी कीबोर्ड देखिएगा, देखें कीबोर्ड का हाल। तो खैर, अभी मैं कीबोर्ड तो नहीं सफाई कर रही हूँ। कितनी, तो ये देखिए मरियम नहा चुकी। क्रीम लगा दूँ, नेल पॉलिश नहीं निकला, दिखाओ ना नाखून। ओहो, नहीं निकला। चलो उठ के बैठ जाइए, मैं आपको नाखून साफ काट दूँगी, ठीक है। कितनी सर्दी लग रही मरियम, मरियम इधर देखो कितनी सर्दी लग रही है, बहुत बहुत सर्दी है। मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है, लाइट है ही नहीं है सुबह से। पता नहीं पूरे पाकिस्तान में गई, पूरे कराची में गई, कहाँ गई है अल्लाह मालूम। बस हम तो घर के अंदर ही काम ही इतने हैं, तो लाइट नहीं थी, तो चलो नहला दिया और घर साफ कर दिया है ना मरियम, सारा घर को सही कर दिया। और ये सेटिंग वेटिंग, रात के वक्त हो रहा है, चादर चेंज है। मरियम जा रही सोने, चाय पी के सोगी है, और अफसा जा रही कुरान पढ़ने, है ना अफसा। शाबाश, अफसा अब कुरान दोहरा रही है, ठीक है ना। और एक हफ्ते बाद लेगी अपनी क्लास। देखो टीचर से बता देना, टीचर मैं सॉरी मैं बता नहीं, हाँ मैंने नमाज भी पढ़ लिया था, सज्दा भी कर लिया था, और सदका भी निकाल दिया था, सही ना। सॉरी, वहाँ पे वीडियो याद ही नहीं था, कितने चीज़ का वीडियो छूट गया मेरा। जाओ मरियम। और अब हो गई है दूसरे दिन की सुबह, तो मैं पहुंच गई मरकज़ उम्मीद। और फिर यहाँ से जाके मैं लगाऊंगी घर में मशीन कपड़ा धोने के लिए। तो ये बच्ची है, इसका नाम है शुमैला, बहुत प्यारी बच्ची है। शुरू शुरू व्हील चेयर पर आती थी, अब देखें माशाल्लाह से खुद से थोड़ा बहुत पकड़ लो तो खुद से चल लेती है। तो सर ने इसको देखें वाइट बोर्ड दिया है, तो मैंने थोड़ी सी ये भी क्लिप बना ली। और फिर स्कूल में मुझे पता चला कि मंडे वाले दिन स्कूल में कोई भी जैसे इवेंट है तो स्टॉल वगैरह बुक हो रहे हैं, तो बस मैंने भी स्टॉल अपने लिए बुक करवा लिया। अब देखें मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि तबीयत तो है नहीं सही और मसरूफियात भी हद से ज़्यादा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ना 15-20 दिन से इतनी शदीद वाली मसरूफियात चल रही है। तो ये देखें, ये हफ्सा जो है ना, हफ्सा के स्कूल से मिला है,
तो हफ्सा को ये करना है प्रोजेक्ट इतराज़ ऐप शादी गाला। इन लोगों ने ख़ुद चॉइस किया है कि हम ये करेंगे। पहले बना लेंगी चार्ट, उसके बाद फिर वीडियो बनाएगी जो मुझे सर को सेंड करना है। तो देखिए, आप वीडियो देखिएगा हैरान रह जाइएगा। इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी की है और बहुत अच्छा ऐड बनाया है। तो इसके नंबर जो है ना पेपर में मिलेंगे इन लोगों को। तो बच्चों ने ना रात तक बैठ करके ये किया मुकम्मल, और फिर इस बच्चे के पापा आ गए थे इसको लेने, तो जब काम हो गया तो फिर ये चली गई। तो आप आगे जाके देखिएगा, हफ्सा ने खुद ही शायरी की है इसके लिए। तो बहुत मेहनत की, यानी कि वहाँ से आने के बाद जो है ना हफ्सा इसी में लग गई थी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पे। स्कूल जाना, अरबी ट्यूशन, और फिर ये प्रोजेक्ट, तो यही चलता रहा। इसके लिए हफ्सा ने एक दिन ट्यूशन से छुट्टी भी कर ली। तो आप देखिएगा आगे हफ्सा ने कितनी प्यारी शायरी की है। जब खोलोगे दराज ना होगे नाराज, ये बचत का मामला है ना रखो इसे राज। तो सोचते क्या हो, अभी डाउनलोड करो दराज ऐप। मम्मा हाय करे, ये देखिए मम्मा कब से मशीन लगाई हुई, अभी खत्म किया और अभी भी कपड़े रहते हैं। रात हो गया, रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 8:15। हाँ 8:15 अभी 8 हो गया। तो है मैं लगाई थी 1:30 बजे मशीन। इतने कपड़े, इतने कपड़े कि बाहर 4-5 जगह कपड़ा डाला हुआ है। थोड़ा कपड़ा देखो, धो धो के दिखाओ ना, वो सारा धो बोलो। हाँ ये देखिए, ये देखिए दीदी, ये देखिए मम्मा ने कपड़े धो लिए हैं और अभी भी मुझे ये तो ये मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि अभी भी कपड़े रहते हैं। हाँ तो वो देखो थैले में इतना कपड़ा, वो सारा शादी का कपड़ा रहता है अभी। शादी का कपड़ा रहता है और अभी मम्मा ने ये देखिए, ये देखिए ये मैं अपने लिए क्या लाई हूँ। पहली बार लेके आई, ये देखिए ये मैं कुछ ना स्ट्रिंग पे बांध दिया है, वरना फिर ये ऊपर चले जा रहा था, लेकिन अब ये नीचे ही रह रहा है सर अटक के। अब भी फिर खेल पा रही है ना अपी? कैसा लग रहा बताओ? कैसे अत्ता? कैसे अत्ता? अत्ता अत्ता क्या होता है ये? बहुत अत्ता। बहुत अत्ता? अत्ता क्या होता है ये? हाँ अत्ता क्या होता है अपी? आपको कैसा लग रहा है ठंड में नहा कह रही हूँ ठंड में कपड़े धो के? सर्दी और दर्द और भूख। भूख ये बात की ना मम्मा ने। अब हम क्या खाएंगे मम्मा? हाँ वही तो, अभी मैं उठू, मैं सबको खिलाऊ। अच्छा ठीक है, ये हमारी पहाड़ी हो रही है ना। अरिज की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने की खुशी है। मरियम बैठी, मरियम लालची है ना, नींद आ रही है। हाँ अच्छा, वो देखिए हफ्सा उधर सो रही है। ये इतने कपड़े यहाँ पे, ये ओछे वगैरह सब अभी रखे हुए, ये इतने कपड़े यहाँ पे सूख गए, और ये इतने कपड़े इसमें से अभी धुले हैं, ये सारे शादी के कपड़े। ये देखे रात हो गई और आज तो ऐसा लग रहा सारा दिन में पानी में खड़ी रही। तो चले अब ये चाय के साथ में ले लेती हूँ दर्द की गोली, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।